पंजाब योजना बोर्ड के उप चेयरपर्सन राजेंद्र कौर बट्टल ने कहा है कि पूर्व उप मुख्यमंत्री सुखबीर सिंह बादल अपनी पार्टी से इस्तीफा देने का ड्रामा कर रहे हैं और वह ऐसा करके सूबे के लोगों को मूर्ख बनाना चाहते हैं। इस मौके पर अलग अलग मुद्दों पर बोलते हुए राजेंद्र कौर बट्टल ने कहा, टूर्नामेंट जी हर साल साड़ी लड़के करा रहे हैं, जिला इन्होंने सारे होर मेंबर भी है ने। और खास तौर पर स्पेशली साढ़े एक दलेर एमएलए के हल्के पैंता है, तो ये चाहे सरकार हो चाहे कांग्रेस चाहे ना हो रेगूलरली टूरनामेंट करवाते रहे हैं। तो मैं भी कुदरती मैं रेगूलरली मौका मिले आई हाँ उस ऋषिया मुनिया के संतान के नाते, उन्होंने मैं मुबारकबाद दिनी हाँ, श्रद्धांजलि दिनी हाँ। उस टूरनामेंट से नौजवान जोड़े साढ़े खिडारी आए हैं उन्होंने असं चाहते हैं कि नशियां तो लांबे हो के ये बहादुरां योद्धां दी धरती है, ये भी इस तरह स्पोर्ट्समैन स्पिरिट लेके इतने आने इस संबंध में असं इतने आए हैं सारे इकट्ठे होकर। योजना बोर्ड के डिपार्टमेंट फतेहगढ़ जिले के लिए होर की नवी योजना, असी बड़ी छेती प्लैन साड़ी तैयार हो रही है, उस प्लैन के मुताबक जिहड़े डिस्ट्रिक्ट दे विच कोई भी डीसी नूं भी यही कहना है, ये डीसी बुलावा कंसर्नड एमएलए नूं भी पुछना है और डिपार्टमेंट नूं भी कि थोनू कई बार साड़ियां कुछ ऐसा स्कीमां सेंटर दियां जिन्हां थोड़े थोड़े पैसे उहदे नाल ना वो स्कीम सिरे चढ़दी है तो ना वो पैसे प्रोपरली यूटिलाइज हुंदे ने। असीं इह सारिआं नूं ठीक कर रहे हैगे आ ताकि कोई कम सिरे चढ़ सके बन सके, उदों दीआं स्कीमां दे रखे हुए पैसे तो अज दी महंगाई दे मुताबक उहदे विच थोड़े पैसे हैगे ने। ये सारी असी हुण आने वाले समय दिनों के एक मीटिंग सैक्रटेरिएट रखा करांगे डिस्ट्रिक्ट वाइज और डिपार्टमेंट वाइज और जिहड़े जिले की गल कर रहे हो उस जिले के एमएलए साहबान भी नाल होण। फतेहगढ़ साहब दे तो बहुत ही वड्डी साडी श्रद्धा हैगी है, ये तो साडे अपने सारे सिख पंथ तां समझदे आ कि साडा अपना सिर मौड़ धरती है। इत्थे वास्ते जिहड़ियां भी स्कीमां विच जो भी साडी प्रपोजल लैके साडे कोल आउणगे उहनूं असीं बाकायदा सिरे चढ़ावांगे। वो ड्रामेबाजी दिंदे आ हुण सब कुछ लटा के जिवें कहिंदे हैगे ना कि खा इन्ने चूहे खा के हुण बिल्ली हज नूं चली है, हुण पार्टी का सारा अपना कचूंबर कढ के अज उह कहिंदा मैं अस्तीफा देना है दिंदा नहीं है जी, वो सिर्फ ड्रामेबाजी है पैर खिचाउणा हैगा। बंब आपदे पर नहीं उहने बंब चलाया है कागजी बंब कि शायद इहदे नाल डर जाणगे, कोई अस्तीफा नहीं दिंदा कोई कम नहीं करता हैगा, सारी पार्टी दे निघार दा जिम्मेवार वो है। रिगार्डिंग कांड के जो कुछ होया होम मिनिस्ट्री समय होया ही इज रिस्पोंसिबल, हूँ इन्हों फेस करना चाहिए सारा क्या। देखो इन्होंने तो इंक्वायरी कराई सी कितना समा निकल गया बाहर ही नहीं सही गल, असी इंक्वायरी बिठाया कमीशन उन्हें अपना सारा रिपोर्ट सन देती है, फर्स्ट फेज पूरा होया, सैकेंड फेज जिद इन्वेस्टिगेशन होंगे देखना होंगे ताकि कोई कमी ना रह जाए कल फिर यह जवान तक करा के भज जाए उस थान पर वेरीफिकेशन होंगी स्टैप सैकेंड स्टैप है, फाइनल जो थर्ड स्टैप होना है वो बाकायदा एक्शन हो गवर्नमेंट कानून के मुताबिक पूरा एक्शन लो जो भी जिम्मेवार होया बख्शा नहीं जाऊगा।